नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन और दुर्गाजी.com पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सोनी ने हाल ही में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2018 में अपने दो नए स्मार्टफोन सोनी एक्सपीरिया XA2 और सोनी एक्सपीरिया XA2 अल्ट्रा को पेश कर दिया है और इसी के साथ सोनी ने सोनी एक्सपीरिया LT को भी पेश किया था, जिसके बारे में हमने एक वीडियो पहले ही बनाया है। सोनी एक्सपीरिया XA2 और सोनी एक्सपीरिया XA2 अल्ट्रा पिछले साल लॉन्च किए गए सोनी एक्सपीरिया XA1 और सोनी एक्सपीरिया XA1 अल्ट्रा के ही अपग्रेड वेरिएंट है। हालांकि दोस्तों, इन दोनों ही स्मार्टफोन की कीमत के बारे में अब तक कंपनी ने कोई भी जानकारी नहीं दी है, पर इतना बता दिया है कि दोनों स्मार्टफोन फरवरी में बिकेंगे। दोस्तों, सोनी एक्सपीरिया XA2 सिल्वर, ब्लैक, ब्लू और पिंक, जबकि एक्सपीरिया XA2 अल्ट्रा में सिल्वर, ब्लैक, ब्लू और गोल्ड कलर वेरिएंट मिलेंगे। दोनों स्मार्टफोन अलग अलग बाजारों की जरूरत के हिसाब से सिंगल सिम और डुअल सिम वेरिएंट में मिलेंगे। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन के अहम फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पहले दोनों स्मार्टफोन के खास स्पेसिफिकेशंस यानी कि कैमरा की बात करते हैं। एक्सपीरिया XA2 में 23 मेगापिक्सल रियर कैमरा है, जो सोनी के एक्समोर RSTM मोबाइल इमेज सेंसर से लेस है और कम रोशनी में इसे बेहतर क्वालिटी की तस्वीरें कैद होने का दावा किया गया है। फोन में 120 फ्रेम प्रति सेकंड पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। वह सेल्फी और वीडियो चैट करने के लिए 120 डिग्री वाइड एंगल लेंस के साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। बात करें एक्सपीरिया XA2 अल्ट्रा के कैमरा सेटअप की, तो इसमें एक्समोर RS सेंसर, हाइब्रिड ऑटो फोकस, 84 डिग्री वाइड एंगल लेंस और अपर्चर F2.0 के साथ 23 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो चैट करने के लिए फोन में दो फ्रंट कैमरे हैं। फोन में अपर्चर F2.0, 88 डिग्री वाइड एंगल लेंस के साथ 16 मेगापिक्सल और 120 डिग्री के सुपर वाइड एंगल लेंस व अपर्चर F2.4 के साथ 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा लाजवाब हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो ये कैमरा आपको पसंद आएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में सोनी एक्सपीरिया XA2 और एक्सपीरिया XA2 अल्ट्रा में 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 प्रोसेसर दिया गया है। ये प्रोसेसर पावरफुल है और तेजी से काम करने के लिए सक्षम है। यूजर को इस प्रोसेसर के परफॉर्मेंस से समस्या नहीं होगी। स्टोरेज की बात करें तो XA2 में 3GB की रैम, जबकि XA2 अल्ट्रा में 4GB की रैम का विकल्प मिलेगा। इसी के साथ एक्सपीरिया XA2 जहां 32GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है, वहीं एक्सपीरिया XA2 अल्ट्रा 32 और 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ उपलब्ध होगा। दोनों फोन की स्टोरेज को microSD कार्ड के जरिए 256GB तक बढ़ाना भी संभव है। सोनी एक्सपीरिया XA2 में 3300mAh की बैटरी है, वहीं एक्सपीरिया XA2 अल्ट्रा में बड़ी 3580mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी सोनी स्मार्ट चार्ज टेक्नोलॉजी और क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करती है। इसे बैटरी कम समय में ही चार्ज हो जाएगी और लंबे समय तक साथ देगी। दोस्तों, दोनों फोन एंड्रॉइड 8.0 ओरियो पर चलते हैं, जो अब तक का सबसे नया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है और कई सारे मजेदार फीचर्स से भरा है। ओवरऑल दोस्तों, कैमरा के साथ ही टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में स्मार्टफोन काफी दमदार है, हमें स्पेसिफिकेशंस पसंद आए। तो अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की स्क्रीन व बॉडी बनावट की। सोनी एक्सपीरिया XA2 में 5.2 इंच का HD डिस्प्ले है और सुरक्षा के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, जबकि XA2 अल्ट्रा में 6 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, जो इमेज एनहांस टेक्नोलॉजी से लेस है। ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, यानी कि फिल्म देखने, गेम्स खेलने व स्प्लिट स्क्रीन फीचर इस्तेमाल करने पर नया और बेहतरीन अनुभव मिलेगा। इस स्क्रीन का कलर रिप्रोडक्शन बढ़िया है और टच भी स्मूथ है। जरूरत पड़ने पर इस बड़ी स्क्रीन को केवल एक स्वाइप करके मिनी डिस्प्ले में बदला जा सकता है, तो ऐसे में स्क्रीन को ऑपरेट करना और आसान हो जाता है। कुल मिलाकर स्क्रीन से यूजर्स निराश नहीं होंगे। XA2 अल्ट्रा का डायमेंशन बताएं तो इसकी हाइट 163mm विद 80mm और 9.5mm पतले स्मार्टफोन का वजन 221 ग्राम है, जबकि XA2 का डायमेंशन देखें तो स्मार्टफोन की हाइट 142mm विद 70mm और 9.7mm पतले स्मार्टफोन का वजन 171 ग्राम का है। दोनों स्मार्टफोन दिखने में चमकदार है और स्मार्टफोन के आगे व पीछे का हिस्सा घुमावदार किनारों के जरिए मिलता है। दोनों स्मार्टफोन के रियर पर फोन को अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो ये थी दोनों स्मार्टफोन के स्क्रीन और बॉडी बनावट की जानकारी। बाकी फीचर्स में दोनों डिवाइसेस में क्लियर ऑडियो प्लस व क्लियर बेस ऑडियो आउटपुट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे यूजर्स को बेहतरीन आवाज का अनुभव मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इन दोनों हैंडसेट में 4G VoLTE, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, ग्लोनास, NFC और USB Type-C जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर हमें स्मार्टफोन पसंद आए। फीचर्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दोनों ही स्मार्टफोन के पावरफुल हैं, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, पर हाँ, कीमत के बारे में कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। तो कीमत के अनुसार ये डिवाइस खरीदना चाहिए या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखते हैं कि भारत में ये डिवाइस कितने में और कब बिकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।